हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार। सम्पूर्णमा हार्दिक न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर म डाक्टर अलिरा श्रेष लामाको लेटेस्ट न्यू लाइफ भ्यू लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। सो भिडियो के कस्तो रहनेछ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर यहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया भने सदा चाहिँ कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला, प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाहहरू। सो यति भन्दै ढिला नगरिकन भिडियोलाई म प्ले गर्न चाहन्छु। नाउ लेट्स प्ले, इन्जोय दिस भिडियो। क्या बोलने वाली है? डरती क्यों? अच्छा बोलूंगी ना। तुम कुछ मत बोलो वीरेश, प्लीज। अरे डरो मत, थोड़ा बोलने दो। प्रोग्राम के बारे में बोलो। अरे उसी बारे में बोल रही हूँ मैं। डरती क्यों? नहीं मत बोल। हमारे बारे में कुछ नहीं बोल रही मैं। अच्छा ठीक है ना, फिर बोलो प्रोग्राम के बारे में बोलो। डर क्यों जाते? देखो लड़ाइयां होती रहती है, ठीक है? प्रोग्राम अभी बोलेंगे, प्रोग्राम के बारे में बोलो। देखो मेरी बात सुनो। प्लीज बोलने दो श्रेष। प्रोग्राम के बारे में मैंने जितना बोलना है बोल दिया। प्रोग्राम के बारे में बोलो। खत्म हो गया। पूरा दिन मेरी मम्मा बन के मुझे जीवन जल पिलाते रहते हैं। तो क्या है ना, जल तो अच्छा होना चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ये बोलना था, सब लोग जितने लोग हैं यहाँ पे, आप भी, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी, पहले आपको बोलती हूँ फिर बाकी सबको बोलूंगी ना। अभी बाद में कॉल करके बोलना। आपसे शुरू करती हूँ ना, डरते क्यों हो? देखो इतना रिस्पेक्ट से, इतना रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ सुरेश। आई एम नॉट, डरो मत यार। नहीं डरो, मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ, कभी कभी मैं बहुत बुरा बोलती हूँ, लेकिन डरो नहीं यार, थोड़ा नहीं बोलूंगी बुरा, सच्ची। बोलो बोलो बोलो। देखो सुरेश, देखिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती दिल से। इतना गंदा मुंह क्यों कर लिया है, मुट्ठी करो अपना। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती, मैं हमेशा आपका अच्छा चाहती थी, अच्छा चाहती हूँ, अच्छा चाहती रहूंगी, ठीक है? बहुत सारी ऐसी, एक साल हो गया माशाल्लाह, पता नहीं चला, पता तो बहुत अच्छा चला है, बहुत चला है, खैर मतलब पता नहीं चला, एक साल गुजर गया। काफ़ी अच्छी बातें भी हुई, काफ़ी बुरी बातें भी हुई हैं इसमें, लेकिन हमेशा से मैं आपका अच्छा चाहती हूँ। मैं आपको कभी ऐसा बुरी सिचुएशन में नहीं देख सकती। काफ़ी जगह ऐसी आई जहाँ पे कभी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कभी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन सब अच्छा चला। हाँ एक साल से फैमिली बनी, काफ़ी सारी अच्छी बातें हुई, अच्छे काम हुए, जिसको हम लोगों ने इतना हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो हमें लगता था कि इतनी हाईलाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एक जो हमारा अलवेज फैमिली का एम था, जो बना था, जो हमने एक फाउंडेशन बनाई थी, लेकिन हमने उसको इतना हाईलाइट नहीं किया जितना हमें उसको करना चाहिए था। सो आज से हम उसको भी थोड़ा चलाएंगे तेज को, उस पर भी जितना, जो भी अलरेश फैमिली से कोई भी अच्छा काम करेगा, इतना गंदा मुंह मत करो, मैं बाद में बोलूंगी ना, जो भी अलरेश फैमिली में कोई अच्छा काम करेगा आप हमें सेंड कीजिए, हम उसको खुद अपने पेज पे, अलरेश फैमिली के पेज पे, अलरेश फॉरएवर के पेज पे पोस्ट करेंगे, ठीक है? जितने लोग हैं अलरेश फैमिली में, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, हम उसकी माफ़ी चाहते हैं अगर हम लोगों ने आपको कभी क्रेडिट नहीं दिया है किसी भी चीज़ का। सो हमें आप अपने बहन भाई समझते हैं या बच्चे समझते हैं, अगर जो भी समझते हैं हमें माफ़ कर दीजिए। हमसे अगर पूरे साल में कोई भी गलती हुई उसके लिए भी आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ, ये साल हम नई शुरुआत के साथ एक नई तरह से शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग आप लोगों को हमेशा प्रायोरिटी देंगे। कुछ सिचुएशन ऐसी थी जिसमें हम लोगों को कुछ बातें आप लोगों से छुपानी पड़ी, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग
हमसे प्यार करते हैं, हम भी आप लोगों से डबल प्यार करते हैं। हम जो भी हैं, जो कुछ है, आप लोगों की वजह से हैं, एंड आप लोग ही हो हमें बनाने वाले, आप लोग ही हो, अगर चाहो तो आप लोग ही हमें गिरा सकते हो, हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ आम इंसान हैं, हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। ये सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट है कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा है, ठीक है। बाकी हम लोग कुछ नहीं है, सिंगर बहुत सारे हैं, लड़कियाँ बहुत सारी हैं दुनिया में, हम लोग कोई खास नहीं है ना। ये तो सही बात है, ठीक है। एंड अगर सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि कुछ चीज़ें आपको ठीक लग रही होती हैं जो इंसान को ठीक नहीं लग रही होती हैं, जो अगले इंसान को अच्छी लग रही होती है वो आपको नहीं लग रही होती, तो उसके लिए मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, आप भी माफ़ी मांगा, मुझसे भी एक साल में बहुत सारे गलतियाँ हुई हैं, एक नहीं कहूँगा बहुत सारे गलतियाँ हुई हैं, इसको भी मेरे से अगर वो सब गलतियाँ फील हो रहा हो तो हमको माफ़ कर दीजिएगा, दिल से माफ़ी चाहते हैं, है ना, सबको कह रहा हूँ। और नई ईयर्स की शुरुआत नई तरीके से करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, खुशी से करते हैं, मिल के करते हैं, चलो ना सब लोग मिल के रहें, फिर क्या है झगड़ा में क्या रखा है, है ना, नहीं मुझसे तो कर सकती है, कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करूंगा, लोगों को समझाया, लोग समझते नहीं, नहीं मुझे कर सकती हूँ मुझसे गुस्सा, कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करता। अच्छा नहीं, मैं टू बी सीरियस, तो हम लोगों में किसी बात पे गुस्सा आया तो मुझे उतार देना, इतना अच्छा मत बना, इतना अच्छे नहीं मतलब अगर आप लोगों को हमारी कोई भी बात बुरी लगी है तो आप लोग हमें, अपने छोटे बहन भाई या बच्चे या कुछ भी दोस्त कुछ भी समझ के हमें माफ कर दीजिए, हम आप लोगों से दिल से माफ मांगना चाहते हैं। हाँ पोता, पोता मतलब, हाँ हाँ हाँ, अगर आप नहीं, आप लोग हमसे बड़े हैं, हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं, लाइक जो छोटे हैं उनकी भी करते हैं, लेकिन वो तो बच्चे हैं ना तो हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनना नहीं चाहते, फिर भी अगर हमसे कोई गलती हो गई है हमें माफ़ कर दीजिए, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है तो हम लोग क्लियर कर लेंगे, बाकी हम लोग आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हमने किसी के लिए कभी आपस में भी हम लोग बैठे होते हैं, हम लोगों ने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, चाहे वो चले भी गए, चाहे वो जो भी है, अच्छी बात है ना भाई, हमें नहीं सोचा ना किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, हम आप लोगों के बारे में अभी भी अच्छा ही सोचते हैं, हम सोचते नहीं है, आपने इतना टाइम भी नहीं दिया, आप लोगों ने हमें प्यार दिया, कभी तो रिस्पेक्ट दिया है, सो हम उसको, वही वही तो मैं बोल रहा हूं, कभी ना कभी तो सपोर्ट किया है ना, कभी ना कभी तो हमारे लिए अच्छा सोचा, हमारे लिए यही बहुत ज्यादा है, सो यार वही बात है, याद करके हम खुश हैं और आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं बस, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप तो फिर भी अगर हमें हम हमारे साथ हमें छोड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, बाकी हाँ आप बच्चे समझ के माफ कर दीजिए, लेकिन हाँ वही मैं वही बोल रहा हूँ, अभी हम लोगों ने इस तरह माफी मांगी नहीं है, लेकिन अभी एक साल हो गया, तो लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की बातें जो आप लोगों को हम नहीं बता सकते, लाइक कुछ ऐसी बातें जो लाइफ में हम नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को आइडिया नहीं है, आप लोगों को आधी बात पता होती है, आधी नहीं पता होती, हम लोगों को पूरी बात पता होती है, तो उस हिसाब से चलते हैं, कभी कभी ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा बातें नहीं पता है, इसी वजह से कुछ लोग हमें गलत भी समझते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप लोग समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी भी क्लियर हो सकती है, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है, एक ज़िंदगी है, मिलते रहो, खुश रहो, आज हम सबको मैं यही कहता हूँ कि सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करते, किसी ने कुछ कह दिया उसको ट्रस्ट मत करो, किसी ने कुछ प्रूफ सहित, प्रूफ
अगर है तो उसको ट्रस्ट करो, नहीं तो मत करो। सुनी सुनाई बातों पर कभी भी, अगर आपको वन साइडेड है तो वन साइडेड पे कभी ट्रस्ट मत करो आप। नहीं, लोग दिमाग खराब हो जाते हैं लोगों का, मतलब कभी कभी किसी ने कुछ सुना दिया उसी को मान लेते हैं, वो ऐसा क्या, मानना नहीं चाहिए भाई। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, समझदार बाप के समझदार बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के नहीं मानते। इतना बात याद रखना। और बस बाकी आप लोग सब लोगों का प्यार है और आप अपना अपना राइट्स है, और हमेशा आप लोगों का, आप लोगों ने इतना एक साल में हम लोग हमको किया, जितना भी किया वो मतलब डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, वर्ड पे भी नहीं कर सकते, इतना बहुत ज़्यादा है हम दोनों के लिए, बहुत ही ज़्यादा है। यही याद करके भी हम सारी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता लेंगे, आप लोगों का प्यार कोई बात नहीं है ना। लेकिन ऐसे दिल को, दिल में दुख भर कर मत जाइएगा कोई भी, है ना। और अच्छी बात नहीं है, हंस हंस के अगर आप लोग विदा मांगना चाहते तो सुखे, है ना, लेकिन दिल दुखा के नहीं जाना चाहिए, मैं यही कहता हूँ। क्योंकि हमने जो पाया है एक सालों में वो शायद ही किसी को नसीब हो, शायद ही। और इस बात का मुझे भी बहुत गर्व है, इसको भी है, प्राउड है हम दोनों को। और हम दोनों को बहुत अपने आप को लकी समझते हैं इस बात के लिए। लेकिन इस सारी बात का सब कुछ आपके हाथ पे है, आप लोगों की जो पब्लिक है उनके हाथों पे है। मैं हम दोनों क्या है, कुछ भी तो है नहीं, मुझसे अच्छा गाने वाला तो कितना है, है ना, कितना है कितना है। तो फिर भी आप लोग मुझे पसंद करते हैं तो बहुत ये मेरा लकी बात है, तो आई फील सो लकी। तो सब के साथ बहुत प्यार है, तो मिल के रहिएगा, बस ये कहना चाहता हूँ दिल से, चाहे कोई भी हो। सो अभी भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं या जितने लोग बाद में सुनेंगे, आप सब के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारी रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। सुबह ज़रूर आइएगा अगर आपने कभी हमें माफ़ कर दिया है, अगर आपका इतना बड़ा दिल है तो सुबह ज़रूर आइएगा। इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया होगा शायद, इतनी माफी मांग रहे हो। यार मेरी बात सुनो ना, हर इंसान का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका अलग है, मेरा अलग है, हम दोनों के इतना अलग नहीं है। हर इंसान का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अभी अगर आप शीशे में कुछ और देख रहे हो लेकिन रियल में कुछ और होता है, ऐसा होता है। शीशे में चीज नजर आती है, हमें लगता है हम है लेकिन हम उल्टे नजर आ रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन है ना। सो जो हम देखते हैं हम वो नहीं होते हैं, कभी कभी रियल में कुछ और होते हैं, शीशे में देखते हैं कुछ और होते हैं। सो कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को लगी हो या कुछ भी, कोई भी बात हमारी बुरी लगी हो या हम एक तो फर्स्टली जो मोस्टली लोगों को बात बुरी लगती है ये कि हम लोग सबसे कांटेक्ट में नहीं रहते। कांटेक्ट में हम लोग आपको किस तरह बताएं कि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में भी इतना नहीं रहते। सही, हमारे पास कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो हमसे कोई ना कोई बात डिस्कस कर रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा लोग मिसगाइड भी कर रहे होते हैं। सो हमें कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, हम लोग उसमें डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं।
काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी हमारी बात बुरी लगी है कि हमने सबसे कॉन्टेक्ट नहीं रखा, सबसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट में नहीं है हम लोग। सो जितने लोग हैं यहाँ पे, जितनी फैमिली है, हमारे लिए सब रिस्पेक्टफुल हैं। बहुत सीनियर लोग भी हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे कॉन्टेक्ट में नहीं भी रह सकते क्योंकि हमारी मजबूरी है। अभी जितने 1,000 लोग भी हैं, 2,000 लोग भी हैं, 1,500 लोग हैं, 1,200 लोग हैं, हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बंदे की करते हैं बाकी इनकी नहीं करते, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो किसी ना किसी तरह हम तक बात पहुंच तो जाती है, लेकिन सबसे कॉन्टेक्ट में रहना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। नहीं, बात पहुंच जाती है लेकिन कौन सी बात का बिलीव करूं ये समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग चुप हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग आपके रिस्पेक्ट नहीं करते, आप लोगों से प्यार नहीं करते, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम जो हैं आप लोगों की वजह से हैं। और कभी कभी आप लोगों को गुस्सा आता है कि DM नहीं देखते या कुछ भी, तो उस बात के लिए भी हमें माफ़ कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा मैसेज होते हैं तो हम लोग देख कभी कभी नहीं सकते, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए। कभी बोलते हैं कि फॉलो बैक नहीं किया इसने, इस वजह से हमें गुस्सा है। सो सबको भी नहीं कर सकते ना, एक को करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इसी वजह से हमारे लिए पूरी अल्ट्रिश फैमिली बहुत रिस्पेक्टेबल है, दिल से इज्जत करते हैं आप सब लोगों की। हमारे लिए हमारी फैमिली हैं आप लोग, काफ़ी सीनियर लोग भी हैं, हमारे पेरेंट्स की तरह, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की तरह, और कुछ छोटे भी हैं हमसे, तो उन सब को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप लोग भी हमें फैमिली समझते हैं तो हम लोगों को हम लोगों की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलती हो तो माफ़ कर दिया करें, अपने बच्चे समझ कर, अपनी फैमिली समझ के। हाँ ये तो है, आप भी मुझे कुछ भी समझ के माफ कर दो। नहीं करूंगा, क्या कर लोगी, मारूंगी फिर। हाँ क्या, आप लोग भी आपस में भी, हम ये भी नहीं चाहते कि आप लोग हमें लाइक प्यार करें और आपस में लड़ाई करें, आपस में लड़ाई भी नहीं करें ना कोई किसी, हमको प्यार मत करो लेकिन लड़ाई मत करो यार। ये चाहता हूँ यार, यार गाइस आपस में भी लड़ाई नहीं करें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको माफ करके ला करें ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, फ्रेंड्स, यति बेलासम्म यहाँले हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियोलाई के कस्तो लाग्यो, यहाँको आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा सकारात्मक सता चाहिँ समेट होला भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै भिडियो अलिक लामो भएको हुँदाखेरि म भिडियोलाई यतिमै छोट्याउँदै बिदा भन्न चाहन्छु। फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचासहित बिदा चाहन्छु। ह्याभ अ नाइस टाइम एन्ड टेक केयर एभ्रीवन, गुड बाई, सी यू।